किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों, आज सभी को पता है कि हमारे चैनल पे के माध्यम से सही और सटीक जानकारी समय समय पर दी जाती है, और इसी प्रकार की जानकारी हमारे फेसबुक पेज और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर भी दी जाती है। अगर फॉलो नहीं किए हैं तो जाके कृपया करके फॉलो कर लें, वहाँ भी अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है। और जिन भाइयों का कमेंट आता है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाता है, जैसा कमेंट रहता है, अगर कमेंट लेने लायक रहता है तो ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाया जाता है और आपको जानकारी प्रोवाइड की जाती है। और एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि बकरियों में लो टेम्परेचर को लेके, तो लो टेम्परेचर को लेके कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि लो टेम्परेचर बकरियों में हो गया है तो क्या करें, ना कैसे करें। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि लो टेम्परेचर कहते किसे, होता क्या है, और साथ ही साथ देसी तरीके से उसका इलाज करेंगे और स्टिक इलाज करेंगे, बहुत कारगर साबित होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लो टेम्परेचर कहते किसको है। जब भी किसी बकरी का शरीर ठंडा पड़ जाए तो उसे लो टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि 99 यानी 100 तक रहता है तो 100 फ़ारेनहाइट तक तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइमेट के हिसाब से, अभी के क्लाइमेट के हिसाब से 100 तक रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 से जैसे ही नीचे आएगा तो भैया कहानी तो खराब हो जाता है, 99-98 इस तरह का हो जाता है। तो वो हमें लो टेम्परेचर के कैटेगरी में आता है। तो आपको टेम्परेचर में करना क्या है, अगर लो टेम्परेचर में आपको देखा जाए तो करना क्या है, तो सबसे पहला चीज जो आपको लेना है, तो सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं लेना क्या है, कि आपको लेना है, पहला लेना है दूध। दूध लेना कितना है, 300 ml। गाय भैंस बकरी किसी का भी हो सकता है, उतना ही प्लस इसमें पानी, पानी कितना है 300 ml। अगर इन दोनों की बात करें तो टोटल हो गया ये 600 ml, ठीक है जी। साथ में आपको क्या लेना है, दूसरा चीज, काली मिर्च लेना कितना है, 10 पीस। तीसरा आइटम क्या लेना है आपको, सौंठ, जो अदरक का सूखा हुआ पार्ट होता है सौंठ, लेना कितना है, 5 ग्राम। चौथा आइटम क्या लेना है आपको, हल्दी, हल्दी कितना लेना है, 10 ग्राम। अब इन तीनों चीजों को, काली मिर्च, सौंठ, हल्दी, तीनों को कूट पीस के पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद जो 300 ग्राम दूध लिए हैं, दूध गाय भैंस बकरी किसी का भी हो सकता है, उसमें 300 ml हमने पानी मिलाया है, जो 600 ml है उसी में हम इसको मिल दे, और इसको इतना पकाएं कि ये तीनों बच जाए, आधा यानी 300 ml बच जाए, जो 600 ml था वो 300 ml बच जाए। बचने के बाद आप बकरी को सुबह शाम दे दीजिए, आपका काम अच्छी तरह हो जाएगा। और ये जो डोज है वो 30 kg से लेकर 50 kg के बकरी पे सफिशिएंट है। वेट के हिसाब से डोज कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर वजन कम है तो कम ज्यादा कर सकते हैं। रही बात है कि आपको इतना देने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं और कुछ देना चाहिए, और मेरी बकरी सही तरीके से सुरक्षित नहीं हुई, और क्या कहते हैं, सही तरीके से ठीक नहीं हुई, तो और बेहतर करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब इस तीनों को पका लेंगे, पकाने के बाद ठंडा कर लेंगे, तो उसमें आइटम क्या है, पांचवा आइटम की बात करें तो मिलाना क्या है, सिरप। न्यूरोकैंड प्लस वेट लेना कितना है, 20 ml।
उसी में डाल दीजिए और बकरी को पिला दीजिए, और इसमें और एक्स्ट्रा करने के लिए, और बेहतर करने के लिए, और अच्छी तरीके तैयार करने के लिए पांचवा छठा आइटम भी ले सकते हैं। छठा आइटम क्या है, जो है पाउडर। लेना कितना है, मात्र 5 ग्राम सोडी फेस, यानी सोडा तरह का एक सोडी फेस बोल के आता है पाउडर, सोडी फेस उसको आप ले सकते हैं 5 ग्राम, वो भी दे दीजिए। और अच्छा करना चाहते हैं तो सातवां आइटम और भी आप, मैं बता देता हूं सातवां आइटम क्या लेना आपको, कैल्शियम। कैल्शियम जेल लेना कितना है, 50 ग्राम कैल्शियम जेल, ये दे दीजिए। अगर ये सब दे देते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपकी बकरी का कैसा भी टेम्परेचर हो, अगर 95-94 तक भी आ गया है तो तुरंत डायग्नोस होगा। ये सब चीजें अगर दे देते तुरंत, प्रॉब्लम कहां आती है कि शरीर में ये कैल्शियम उसका टेम्परेचर लो कैसे होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेम्परेचर लो होने का सबसे पहला कारण ये होता है कि उसके अंदर की कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है इसीलिए उसका टेम्परेचर लो होता है, कारण कि 99% जो है 99% कैल्शियम जो है उसके हड्डी में है, मात्र 1% ब्लड में है, वो भी कम हो जाए तो बकरी का तो टेम्परेचर लो हो गया, तो बकरी का जहाँ टेम्परेचर लो हो गया तो जमीन पकड़ लेती है। लेकिन ये फार्मूले से आप उस बकरी को मरते हुए बकरी को आप बचा सकते हैं, और बहुत अच्छा फार्मूला है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी है। और रही बात है कि इस प्रकार की वीडियो मैं बनाते रहता हूँ और जताते रहता हूँ, और रही अगर किन्हीं भाइयों को ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास करना हो तो हमारे नीचे दिए गए स्क्रीन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर जो भाई ट्रेनिंग ले चुके हैं और अपना काम बखूबी नहीं करते, प्रॉब्लम लगा रहता है और आपका कोई हेल्प नहीं करता, तो हम तैयार बैठे हैं, आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, 1000 रुपये पेड करना पड़ेगा, 1 साल का आपको पेड करेंगे तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगा। और जब भी आप फोन करेंगे, रात के दिन हो या रात हो, जब भी आपका प्रॉब्लम हो उस टाइम हम सोल्यूशन बताएंगे, सोल्यूशन हम प्रॉब्लम आप बताइए, सोल्यूशन हम बताएंगे, आपको डायग्नोज करके उस चीज़ को आपको फॉलो करना है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ, और ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवाहर, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे नई कमीशन नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।